अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक इंजन तैयार करें मस्ती स्पेस के साथ। तो अभी हम चलते हैं शाहदेव के पास और पूछते हैं कि वो ऑफिस पे क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शाहदेव भैया, ठीक ठाक हैं? क्या काम कर रहे हैं आप? ये हम इसकी ऑयल नोजल्स हैं जो हमारे पिस्टन को लुब्रिकेट करती हैं, वो हम इंस्टॉल करने लगे। तो ये हमें बताएं ये किधर लगती हैं और इनका काम क्या है? ये हमारे लाइनर्स हैं, इसमें पिस्टन जो है, पिस्टन की मूवमेंट होती है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट। पिस्टन को जो है हम निचली साइड से जो है लुब्रिकेट रखने के लिए, ताकि उस पर किसी किस्म के जो है हीट ना पैदा हो, फ्रिक्शन जो है कम से कम, उसके लिए जो है हम नोजल्स लगाते हैं। ये इसमें ये क्या चीज़ लगी हुई है? ये इसका बोल्ट है। इसको क्या कहते हैं? अंदर से होलो होता है, इसको बोंजो बोल्ट कहते हैं। इसका टेक्निकल नाम है बोंजो बोल्ट। जस्ट इसको लगाना है, वो सामने इसका दिया हुआ है। तो इसको बस रख के और ये ऊपर से टाइट कर दें। अच्छा, ये जो पट्टी है ना हमारी, बाकी चीज़ों के साथ तो नहीं लगी हुई, जितनी भी फिटिंग हुई है। तो अभी हम नकाश भाई इनसे पूछते हैं कि इस पट्टी का क्या मकसद है, क्योंकि बाकी ये लाइनों के साथ तो नहीं लगी हुई। ये एयर प्रेशर की होती है, इसके आयल भी क्या है रिटर्न एयर प्रेशर के पास है। अच्छा, यानी कि वो लगते हैं उसी लोकेशन के साथ ही लगे। अच्छा, तो ये पट्टी है शादी कौन से नंबर में लगी हुई है? ये थर्ड नंबर पर। तो कैसे पता चलेगा कि ये तीसरे नंबर पर लगानी है? ये हम लगा रहे हैं कैम फॉलवर्स, ये उसके अंदर लग रहे हैं वो कैम फॉलवर्स। इसके अंदर लगती है कैम शॉप, कैम के ऊपर जो होते हैं कैम लूप्स बने होते हैं, जब कैम घूमती है तो उसके साथ जो है हमारे इन टेबल आस पास सारे ऑपरेट होते हैं। कितना टारक दे रहे हैं? 50।